की और बताने में ये खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज पहली बार 1018 श्रमिक स्पेशल ट्रेन उत्तर प्रदेश में अब तक आ चुकी हैं। इन 1018 ट्रेनों में 13,54,000 से अधिक लोग जो है आ चुके हैं और इस आधार पर जो 1018 ट्रेनें आई हैं, जो बसें आई हैं, जो विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हैं, अब तक 21,00,000 लोग कुल हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रदेशों से श्रमिक और कामगार आ चुके हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज कल में 178 ट्रेनें चल दी हैं और वो भी हमारे प्रदेश में बहुत जल्दी आ जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज आदेश था हमारी टीम लेवल की बैठक में कि प्रदेश हर संभव सहयोग अन्य प्रदेशों को देते हुए, रेलवे का सहयोग लेते हुए, जो भी व्यक्ति जहां भी है, चाहे वो दिल्ली में हो, पंजाब में हो, गोवा में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, केरल में हो, तमिलनाडु में हो, तेलंगाना में हो, आंध्र प्रदेश में हो, बंगाल में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में हो, असम में हो, कहीं भी उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, जहाँ भी व्यक्ति हो, चंडीगढ़ में हो, हर हालत में उसको हमारे यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार जो भी व्यवस्था कर रहा है पूर्णतः निःशुल्क कर रहा है। किसी को भी उत्तर प्रदेश के चढ़ने वाले ट्रेनों में कोई शुल्क नहीं देना है, किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को कोई भी शुल्क नहीं देना है। पुनः मैं कहना चाहूँगा, आज पहली बार 1018 यानी 1000 से ज़्यादा ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुकी हैं और 178 ट्रेन चल चुकी हैं, जो आज पूरे दिन में और कल तक जो है आ जाएंगी। जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे कामगार हैं, वो जो 21,00,000 यहाँ आए हैं, उनके लिए होम क्वारंटाइन की व्यवस्था है। होम क्वारंटाइन में उनका पूरा डेटा इकट्ठा कर लिया गया है। उनके हर घर पर एक फ्लायर यानी एक पर्चा लगा रहेगा कि ये फला व्यक्ति हैं, फला से आए हैं, इनका जो है होम क्वारंटाइन किया जाए। वहाँ पे जो निगरानी समितियाँ हैं वो उस फ्लायर को देखकर ऐसे सभी लोगों का सहयोग देंगी कि वो अपना होम क्वारंटाइन में समय जो है पूरा करें, जिससे कि कहीं भी संक्रमण की कोई संभावना ना हो। ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं, इनको भोजन और पानी की व्यवस्था का निर्देश हमारे प्रदेश में दिया गया है। रेलवे के बहुत सारी ट्रेनें जो आ रही हैं, सब में रेलवे स्टेशन पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी अगर कोई कठिनाई है ट्रेन में तो उसका भी हम लोग सहयोग करें। जो अभी तक ट्रेन आई हैं 1018, पूरे देश में ये रिकॉर्ड है। एक शहर में, गोरखपुर में 163 ट्रेनें आई हैं। 2,00,000 से ज़्यादा व्यक्ति केवल गोरखपुर में उतरा है, 2,00,000। और ये भी हम आपको बता दें कि हमारे प्रदेश में वाराणसी में अब एक की जगह 2 स्टेशन कर दिए गए हैं। जो वाराणसी का सेंट्रल स्टेशन है वहाँ, और मड़ुआडी जो स्टेशन जिसका अब नाम बनारस रख दिया गया है, उस स्टेशन पर भी ट्रेन अब आज से 4 बजे से उतरना शुरू हो गई हैं। हमारे पूरे प्रदेश में जो है लगभग 52 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर ट्रेनें उतारी जा रही हैं, और पहली बार पीलीभीत जैसी जगह पर भी एक ट्रेन उतारी गई। पीलीभीत जिले में भी 1200 लोगों की एक ट्रेन उतारी गई है और भारी मात्रा में हर जनपद में रेलवे स्टेशन की व्यवस्था की गई है, जिससे अन्य प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं उनमें कहीं किसी को कठिनाई ना हो। मुझे बताकर ये भी खुशी है कि कुल मिलाकर गुजरात से अब 397 यानी लगभग 400 ट्रेनें गुजरात से आ चुकी हैं। महाराष्ट्र से 213 यानी 200 से अधिक ट्रेनें आ चुकी हैं। पंजाब से 171 यानी लगभग 200 ट्रेनें पंजाब से भी आ चुकी हैं। 59 ट्रेन दिल्ली से आ चुकी हैं। दिल्ली का कोई भी व्यक्ति पैदल ना चले, दिल्ली का कोई भी व्यक्ति गाड़ियों से ना आए, दिल्ली का कोई भी व्यक्ति कोई निजी वाहन से ना आए, रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन अवेलेबल है। एक दिन में 10 से 12 ट्रेनें चल रही हैं। पर्याप्त संख्या में लोग वहाँ पर आ रहे हैं। यदि कोई कठिनाई है तो रेलवे जो है वहाँ पर, रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पर जो जिला प्रशासन है उनसे सहयोग करें। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ट्रेनें भारी संख्या में चल रही हैं।
झांसी से चल रही हैं, सहारनपुर से चल रही हैं, मथुरा से चल रही हैं, आगरा से चल रही हैं, अलीगढ़ से चल रही हैं, मुरादाबाद से चल रही हैं, कानपुर से चल रही हैं, प्रयागराज से चल रही, वाराणसी